बात है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संत हिरदाराम नगर में एक नाटक के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। यह नाटक बीजेपी के समर्थकों द्वारा कराया गया। संत हिरदाराम नगर में भाजपा के समर्थन में युवाओं द्वारा नाटक का मंचन किया गया, जहां रामेश्वर शर्मा को वोट देने की अपील की गई। इस नाटक के जरिए मतदाताओं को भी जागृत करने की कोशिश की गई। देखिए, हम यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा निगेटिविटी फैलाई जा रही है समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर। और कांग्रेस ने प्रत्याशी इसलिए नहीं दिया कि वो जीत सके, प्रत्याशी इसलिए दिया कि हिंदू वोटों को बांटा जाए। उनका कोई मकसद नहीं था कि क्षेत्रीय विकास के लिए प्रत्याशी। हमारे जो उम्मीदवार रामेश्वर भैया, वो क्षेत्र के लिए हमेशा खड़े रहते, जब जब क्षेत्र में जिस तरह की प्रॉब्लम हुई हमेशा वो साथ में खड़े थे, जनता के सेवक है और हमेशा साथ थे। पिछली बार वो 60,000 वोटों जीते थे, इस बार जनसंपर्क इतना मिल रहा है, जनता का समर्थन इतना मिल रहा है कि 1,00,000 वोटों से हम लोग उनको जिताएंगे। और हमारे से युवा जो निस्वार्थ भाव से, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, शिवराज सिंह से जुड़ी है, रामेश्वर भैया जुड़ी हुई है, मोदी जी जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है, सब निस्वार्थ भाव से हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए अपने भैया का हम लोग समर्थन कर रहे हैं सारे। ये कोई यहाँ पर कोई पैसे से नहीं, कोई पेड़ नहीं, सब निस्वार्थ भाव से सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर किसी के लिए भी ये नहीं कर रहे, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। 28 नवंबर का दिन छुट्टी का दिन नहीं है, तो आप सब जाएं, बीजेपी को वोट दें, इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कोई भी ये नहीं बता रहा हमने कितना किया। यूथ जानता है कि बीजेपी ने कितना काम किया है, पढ़ी लिखी सरकार बनाने का श्रेय सबको जाता है, सब जानते हैं यहाँ पर कि कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। नाटक के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में दर्शकों को बताया गया। 2 दर्जन युवक युवतियों ने नाटक में भाग लिया। इनमें मतदाताओं को जातिवाद से दूर रहने की बात भी कही। नाटक टीम के प्रमुख विनोद पांडे ने बताया कि हम भाजपा के समर्थन में खास करके हुजूर क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनियों चौराहों पर पहुंचकर मतदाताओं को भाजपा सरकार के विकास के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।